ग्राम सरफरवा गौनाहा प्रखंड का नजदीकी गांव है, जहां की आबादी 1200 करीब है, पर आज तक यहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना, जिससे बच्चों और महिलाओं की पोषाहार समेत काफी दिक्कतों का सामना करते देखा जा रहा है। गाँव में दिक्कत सबसे ज्यादा है कि आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है जी। सेंटर में गर्भवती लोग का जांच होता है, किशोरी लोग का भी टिटनेस का सुई साफ सफाई के बारे में जानकारी मिलती है, छोटा छोटा बच्चा लोग का पोषाहार मिलता है स्कूल में, दो साल से लेकर 5 साल का बच्चा लोग आंगनबाड़ी सेंटर में रहते हैं तो सुरक्षित रहता है, जैसे साफ सफाई भी रहती है, जानकारी भी कुछ कुछ मिलता है बच्चा लोग का। ये शैतानी करते हैं, घर में थोड़ा काम नहीं कर पाते हैं, उधर उधर चले जाते हैं, फिर उनके पीछे दौड़ना पड़ता है, फिर स्कूल नहीं पढ़ा पाते हैं, और आंगनबाड़ी रहता तो वहाँ चले जाते हैं, थोड़ा बोलना भी सीख जाते हैं, वहाँ पढ़ते थोड़ा। गर्भवती की क्या दिक्कत होती है? गर्भवती का दिक्कत होता है, कम से कम यहाँ आंगनबाड़ी रहता तो यहाँ जांच हो जाते हैं, अभी यहाँ नहीं है तो हम लोग का कितना दूर जाना है, वहाँ जाकर तब जांच करते हैं। गर्भवती महिला जब एक महीना जैसे जिस दिन से रहती है गर्भवती महिला, उसी दिन से अगर जैसे जांच करा लेती है तो उसको सही ढंग से उसका बच्चा का विकास विकसित हो सकती है ना। जैसे उसको पता चल जाता है कि हमारे बच्चा सुरक्षित है कि नहीं है, उसको कितना टाइम से गोली, कितना वजन है, कितना उसका विकास हुआ है, सब कुछ का पता चल जाता है जैसे आंगनबाड़ी में जांच करने पर ना। उसका तौल होता है, उसका जो पेट का जांच होता है, तो खून का जांच, सब कुछ का जांच होता है आंगनबाड़ी में, तो ये सब हमारे गाँव में है नहीं, तो इस सबसे बहुत बहुत से दिक्कत है। आंगनबाड़ी के लिए आप लोग कभी प्रयास किए हैं? प्रयास किए है लेकिन आए नहीं है। कितना बार प्रयास किए हैं? 4-5 बार तो किए है, जहाँ जहाँ आम सभा हुआ है वहाँ कहे थे। मैं चाहती हूँ ग्राम सरफरवा में जल्द से जल्द आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन शुरू किया जाए। आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि आप भी हमारी इस लड़ाई में सहयोगी बने, जिसके लिए CDPO गौनाहा का मोबाइल नंबर है 94-31-00-53-18, इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।